मेरे सभी आदरणीय अभिभावक गणों को डायरेक्टर महेश सैनी का प्रेम भरा नमस्कार। आदरणीय अभिभावक गण, आज का मेरा यह वीडियो संदेश कल 8 अक्टूबर सैटरडे को स्कूल में आयोजित होने वाली यूटी सेकंड की पीटीएम के रिगार्डिंग है, उसके संदर्भ में है। चूंकि इसकी सूचना आपको ग्रुप के माध्यम से पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी है, मेरा इस वीडियो मैसेज के अंदर आप लोगों को कल के संदर्भ में कुछ जानकारी देनी है। कल अर्थात 8 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:30 सुबह 9:30 से 12 noon 12 बजे के बीच में 9:30 से 12 o'clock के बीच में पीटीएम आयोजित की जाएगी। आप सभी पेरेंट्स को कल उपस्थित होना जरूरी है, साथ में आप अपने बच्चे को भी साथ में लेकर के आएंगे। बच्चे को साथ लेके आना है, आपको भी कंपलसरी आना है घर में से, मम्मी या पापा को संभव हो सके तो दोनों आए। दूसरा, जब आप आए तो साथ में बच्चे की स्कूल डायरी भी लेकर के आए, स्कूल डायरी भी साथ में लेकर के आनी है। कुछ पेरेंट्स मेरे से कहते हैं कि सर हर बार पीटीएम अटेंड करते हैं तो पीटीएम अटेंड करने से क्या फायदा। मैं उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी आदरणीय अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ, हमेशा कभी भी स्कूल में जब टेस्ट होते हैं, स्कूल में फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद में जो पीटीएम आयोजित की जाती है उसमें अवश्य रूप से आना जरूरी है। इसका फायदा क्या होता है? हर टेस्ट के बाद बच्चे का आकलन होता है, पेरेंट्स टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, बच्चे ने कितना सुधार किया कितना नहीं किया उसके ऊपर वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। बच्चे की एग्जाम कॉपी को पेरेंट्स देखते हैं, टीचर्स बताते हैं इसने कहाँ मिस्टेक किए। बच्चे को साथ होना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चा अपनी टेस्ट कॉपी के अंदर ये देख सके मैंने किस जगह गलती की है, कहाँ मेरे मार्क्स कटे हैं और नेक्स्ट टाइम मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। बहुत ही फायदा होता है, शायद इसका फायदा आपको नजर नहीं आता, लेकिन पीटीएम पेरेंट्स जब अटेंड करते हैं तो बच्चे के अंदर इस चीज़ का भय भी बनता है कि मेरे फादर या मदर इस चीज़ को रिकॉर्ड देखेंगे, मेरा रिकॉर्ड देखेंगे मैंने क्या लिखा है। तो आपको जरूर आना चाहिएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी और आप जरूर आएंगे, और साथ में बच्चे को भी लेकर के आना है और उसकी डायरी भी लेकर के आनी है। समय का ध्यान रखना है, सुबह 9:30 से 12 बजे तक के बीच में ही आपको आना है, ठीक है? ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अवश्य आइएगा, आरएससी परिवार आपका मोस्ट वेलकम करेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरएससी, जय हिंद।